हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक साधारण लड़के की संघर्ष की दास्तान है। कैसे वो अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता और जब किस्मत किसी का साथ देती है तो वो उसे राख से राजा बना देती है। जिम नाम का लड़का जो कि छोटे से घर में अपनी छोटी बहन टॉम के साथ रहता है, उसका टॉम के अलावा और कोई नहीं है क्योंकि सालों पहले उनकी मॉम की मौत हो गई और वही उसके डैड उन्हें अकेले छोड़कर चले गए, जिसके बाद से जिम एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है और उसे जो भी पैसे वो कमाता है उसे अपनी छोटी बहन की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। कुछ इसी तरह से उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है, पर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि उनकी गाड़ी रुक जाती है। जब जिम को पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल बुलाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टॉम के दिल में छेद है, उन्हें फ़ौरन उसका इलाज करवाना होगा वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। अभी तक तो सब ठीक था क्योंकि जिम तो ऑपरेशन के लिए राजी हो जाता है, पर जब वो उसके पैसे सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जो कि तकरीबन 7 लाख रुपए था। इतने पैसे उसने आज तक कभी रियलिटी में देखे भी नहीं थे। आखिर कैसे वो अपनी बहन का इलाज करवा पाएगा? जब वो घर आता है तो टॉम उसकी राह देख रही थी। वो उसे झूठ बोलता है कि वो शॉप से आए, पर आज वो जितनी भी बात करता है हर बात पर इमोशनल हो जाता है। टॉम नादान थी इसीलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जिम ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी बहन का इलाज तो करवा कर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है, वो अपनी दुकान के लिए निकलने लगता है, पर इतने में उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे अपने वेयर हाउस में आने को कहता है, उसे कुछ दिखाना है। अब जिम भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या है वहाँ। वेयर हाउस पहुँचने पर उसका दोस्त उसे 1 लाख मोबाइल फ़ोन का स्टॉक दिखाता है और बताता है कि ये अभी कुछ दिन पहले इटली से यहाँ पर आए हैं, पर इन सारों में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जो इसको एक्सपोर्ट करता है वो अभी इस समय जेल में है और मेरे पास एक आइडिया है। जिम पूछता है कि क्या, तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे अभी 1 लाख युआन दे दो तो मैं तुम्हें ये सारे फ़ोन दे दूंगा, जिसके बाद तुम इसको ठीक करके बेच सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। अब जिम को भी ये सही लगता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्हें एक साथ खरीद सके और इसीलिए वो सिर्फ एक ही मोबाइल खरीदता है और घर आ जाता है। अब टॉम के सो जाने के बाद वो उस फोन को सुबह तक लगा रहता है और फाइनली उसे चलने लायक बना देता है। इसके बाद वो उसे एक शॉप पर ले जाता है जहाँ सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन को बेचा जाता था। वहाँ जाकर वो उसे बेच देता है, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और जब टिम उन सारे मोबाइल फ़ोन के प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, जो कि पूरे 10 लाख रुपए बन रहे थे, अगर सब कुछ सही हुआ तो वो इन पैसों से टॉम का इलाज करवा सकेगा, लेकिन सबसे पहले उसे पैसों का इंतज़ाम करवाना होगा, जिसके लिए वो अपनी शॉप को गिरवी रख देता है और बैंक से लोन लेता है और फिर जाकर उन सारे फ़ोन को एक साथ खरीद लेता है। अब उसका काम था एक एक करके वो सभी को बेच देना और उन पैसों को इकट्ठा करना। जब अगले दिन वो फ़ोन को बेचने के लिए जाता है तो वहाँ उस दुकानदार को बताता है कि इस फ़ोन को मैंने ठीक कर दिया है, पर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो फ़ोन पूरे एक नए फ़ोन की तरह लग रहा था। जिसके बाद जिम उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसके पास 1 लाख इसी कंपनी का सेकेंड हैंड फ़ोन है जिसमें छोटी मोटी खराबियाँ हैं। तो वो दुकान वाला उसे एक आइडिया देता है कि वो उसे हर दिन लाकर एक फ़ोन दे, जिसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे देगा और उसे ऐसे हर नई दुकान पर नहीं जाना होगा। जिम को ये डील सही लगती है, इसीलिए वो हाथ मिला लेता है और फ़ोन को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए थे, जिसे वो टॉम को अच्छे कपड़े दिलवाता है। दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी का सूरज बहुत ही जल्दी डूब जाता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट एक रूल पास करती है, कोई भी आदमी किसी को सेकेंड हैंड फ़ोन ना तो बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। अब जिम जब फ़ोन को बेचने के लिए जाता है तो वो दुकानदार उसे साफ साफ खरीदने से मना कर देता है, आखिर क्यों वो अपना नुकसान करवाए। जिम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब तो उसे अपनी दुकान भी गिरवी रख दी है, जिसकी ईएमआई उसे हर हफ्ते देनी है, ऊपर से उसका घर का रेंट भी उसे कई महीनों से जमा नहीं किया। सबसे बड़ी दिक्कत है टॉम की तबीयत, जो कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये 1 लाख फोन उसके लिए अब कबाड़ का सामान हो गया है, उसके पूरे पैसे कहीं डूब ना जाए, और यही डर उसे सताना शुरू कर देता है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अगले दिन उसी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी में ही सीधा चला जाता है और वहाँ के मैनेजर से बात करता है। उसे बताता है कि मेरे पास आपकी कंपनी के 1 लाख सेकेंड हैंड फ़ोन है। मैं जानता हूँ कि आप ना तो उसे खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पार्ट को कंट्री के बाहर सेल करेंगे तो इसके बदले में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक पार्ट को निकालते टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, जिसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते। लेकिन जिम को खुद पर भरोसा था, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे बहुत ही बारीकी से करूंगा और एक भी पार्ट खराब नहीं होगा। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, तुम उन पार्ट्स को निकालो और क्वालिटी टेस्ट के लिए भेज दो, जब रिपोर्ट आ जाए तो मुझे आगे बता देना। जिम बहुत खुश होता है और फौरन अपनी दुकान पर जाकर काम पर लग जाता है।
लेकिन आए दिन उसके पास लोन रिकवरी वाले आते रहते हैं क्योंकि उसने एक भी EMI नहीं भरी थी अभी तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में वो अपनी दुकान खो देगा, पर वो फिर भी उसी फ़ोन को बनाने में लगा रहता है। और 3 रातें जागने के बाद फाइनली वो अपने एक फ़ोन के सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजता है। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके सारे पार्ट काम कर रहे थे। इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह ही वो मैनेजर के पास जाता है और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखिए सर, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब सारे फ़ोन को आप खरीद लो। तो मैनेजर बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने ये कब कहा कि मैं इन्हें खरीद लूँगा, मैंने बस इतना बोला कि मुझे आकर बता देना कि ये तुम्हारा ये काम हो जाए। अब ये बात सुनकर जिम को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर मिलता है उस कंपनी के मालिक से, जिसका रास्ता रोककर वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट रही थी इसीलिए वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और जिम से कहता है कि वो वापस आकर उससे बात करेगा। लेकिन जिम के पास कहाँ इतना समय है, इसीलिए वो अपने रेलवे स्टेशन की ओर भागना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में उसे काफ़ी चोटें भी आती है, लेकिन वो फिर भी गिरते पड़ते जैसे तैसे करके उस सीट पर जाकर बैठ जाता है जिसके सामने कंपनी का ओनर बैठा था। और वो उसे अब आराम से अपनी बातें बताता है। उनकी बातें और उसके हुनर को देखकर ओनर उसकी काफ़ी तारीफ करता है और उसके हौसले की दाद भी देता है, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसके फ़ोन को खरीद नहीं सकता क्योंकि वो गैर कानूनी है। पर हाँ, अगर वो उनके सारे पार्ट्स को निकाल कर क्वालिटी टेस्ट में पास करवा ले तो वो उन्हें खरीद सकता है, पर याद रहे ऐसा करने में वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, सब कुछ उसे खुद ही करना होगा। अब अगले स्टेशन पर जिम उतर कर सोचने लगता है कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई टीम, ना ही कोई मशीन, अकेले वो इतने फ़ोन को कैसे ठीक कर सकता है, अगर करने बैठा तो सालों लग जाएंगे। पर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो टॉम को स्कूल से लेकर वापस आता है, वहाँ वो अपने बड़े भाई की चोटों को देख लेती है जो उसे आज सुबह सुबह लगी थी। जिम उसे कुछ नहीं बताता, पर टॉम कहती है कि अगर आज माँ होती तो आपको बहुत डांटती, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है। जिम कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे जिन्हें वो छुपा लेता है। और घर आ जाता है जहाँ पर टॉम उसकी चोटों पर दवाइयाँ लगाती है। वहीं जिम चुपचाप बैठा रहता है, यही सोचता रहता है कि आखिर वो इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दे। उसे एक टीम की जरूरत है और किसी भरोसेमंद इंसान की भी, जिसके लिए अगले दिन वो अपने पड़ोसी यूंग के पास जाता है जो अपने बूढ़े पिता के साथ रहता है। अब यहाँ जिम उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन यूंग का कहना था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो वो सब कुछ खो देगा, पर जिम के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसकी बहन, अगर उसने उसे खो दिया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो यूंग से कहता है कि आपने हमारा बचपन देखा है, खुद से ज़्यादा मैं आप पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास बस 6 महीने का समय बचा हुआ है ताकि मैं टॉम का इलाज करवा सकूँ और मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। उसकी कहानी सुनकर यून मान जाता है, जिसके बाद जिम अपनी दुकान और अपनी स्कूटी को बेच देता है ताकि वो अब किसी ऐसी जगह को रेंट पर ले सके जहाँ उन्हें 1 लाख फ़ोन को रख कर ठीक कर पाए। लेकिन अब उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोग जिन्हें पैसों से ज़्यादा जिम के ऊपर भरोसा है। वो आने वाले दिनों में उन्हें सारे पैसे दे देगा, पर फिलहाल उन्हें थोड़े पैसों में ही काम करना पड़ेगा। पहले तो ये दोनों एक जगह का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद ये एक सिंगल मदर के पास जाते हैं जिसके बारे में यूंग ने जिम को बताया था। वो एक कैफे में काम करती है और उसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है, और जब जिम उसे मिलता है तो वो तुरंत मान जाती है। फिर वो एक और आदमी से मिलता है जो अभी अभी जॉबलेस हुआ है, और आखिर में जाकर वो एक लड़के को हायर करता है जो कि एक गेमर भी होता है। वो अपने दोस्तों को भी साथ में जॉब पर रखने की बात करता है और जिम मान जाता है, और फिर पूरी टीम काम पर लग जाती है। लेकिन जब जिम के कुछ बूढ़े नेबर को पता चलता है कि टॉम के पास बहुत कम दिन बचे हैं तो वो खुद उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। सभी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जिम को कुछ और भी काम करना था, इसीलिए वो दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता था और रात में जब सभी लोग चले जाते थे तो फैक्ट्री जाकर खुद फ़ोन को बनाने में लग जाता था। अब ऐसे ही बहुत दिन चलता रहता है। उसने अब सब कुछ छोड़ दिया था, घूमना फिरना, यहाँ तक कि सोना भी। वो अपना पूरा समय अपनी छोटी बहन को देना चाहता था, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था, बस वो कैसी भी करके उन 7 लाख रुपए को इकट्ठा कर सके। अब एक दिन उसी गेमर लड़की की शादी हो जाती है जिसमें जिम अकेले बैठा हुआ था। वो कुछ सोचता रहता है कि तभी उसके पास यूंग आकर बैठ जाता है और उसे एक सवाल करता है, ये सब हो जाने के बाद तुमने खुद के बारे में क्या सोचा है। यहाँ जिम की जुबान पर एक ही काम था, टॉम। वो जो कुछ भी कर रहा है बस उसके लिए कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वो यूंग को बताता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो उन्होंने उसे वादा किया कि वो अपनी छोटी बहन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएगा, वो भले ही खुद स्कूल ना जा पाए लेकिन वो उसे जरूर भेजेगा। उसकी बातें सुनकर यूंग समझ जाता है कि उसके लिए उसकी छोटी बहन कितनी मायने रखती है। अब शादी पूरी हो जाने के बाद वो घर पहुंचता है, पर गेट को देखकर उसके ऊपर एक और पहाड़ टूट जाता है,
दरअसल उसने पिछले 4 महीने से रेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से अब लैंडलॉर्ड ने घर में ताला लगा दिया। अपनी बीमार बहन को कंधे पर रखकर वो यूंग के घर जाता है और वहां उसे सुला देता है और खुद जाकर फैक्ट्री में काम करने लगता। लेकिन उसे एक दिन एहसास होता है कि वो ऐसे करके यूंग के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल रहा है। उन्होंने पहले ही उसकी इतनी मदद की है और इसीलिए वो जाकर टॉम को ले आता है और वहीं फैक्ट्री में ही कार्डबोर्ड पर सुला देता है। पर उसे खुद पर बहुत तरस आता है कि उसकी इतनी बुरी किस्मत है कि वो अपनी बहन के लिए एक बेड तक खरीद नहीं सकता। पर दोस्तों, आपने डॉक्टर कलाम सर की एक बात जरूर सुनी होगी कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे, तब उन्होंने ये नहीं पता था कि आगे जाकर वो इंडिया के रॉकेट मैन और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ऐसे ही सेम जिम को भी पता नहीं है कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या घटने वाला है, बस इंतजार है तो सही समय का। अब नेक्स्ट डे जब यूंग उसे कहता है कि तुम टॉम को यहाँ क्यों ले आए, तो वो उनसे कहता है कि उसे अपनी छोटी बहन के बिना नींद नहीं आती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, टॉम के ऑपरेशन का दिन और करीब आने लगता, साथ में जिम के पैसे भी अब खत्म हो रहे थे। अब एक दिन जब वो देर रात काम करते करते सो जाता है तो टॉम उसे उठाती है और बताती है कि उसने बाहर कुछ लोगों को देखा है। जिम फौरन बाहर जाता है तो देखता है कि कुछ लड़के वहां चोरी कर रहे थे, वो उन्हें फौरन रोकने के लिए जाता है, पर इतने में वो भाग जाते हैं। पर जिम के हाथ एक चोर लग जाता है, पर इसी चक्कर में उसकी उंगली भी टूट जाती है। अब उसने चोर को पकड़ लिया था तो उसकी मदद से उसे सारे चोरी किए हुए सामान मिल जाए, पर उसकी उंगली की चोट अब उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन उसे फिर भी काम करना पड़ता है। वो विंडो क्लीनिंग की बकेट उसे उंगली के सहारे पकड़ रखा था, पर जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो वो बकेट नीचे आकर गिर जाती है। फिर क्या था, जिम को उसके बॉस बुलाते हैं, तब उसके कांपते हुए हाथ को देखते हैं और ग्लव्स उतारने को कहते हैं, लेकिन जिम नहीं करता, पर उसे डांटते हैं और उसे हटाना पड़ता है। तब वो उसकी टूटी हुई उंगली देखकर बहुत गुस्सा करते हैं, पर जिम उसे अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बॉस उसे कुछ पैसे दे देते हैं और जाने को कहते हैं। पर अब वो इस काम को नहीं कर सकेगा। अब जिम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पैसे कमाने का एक जरिया अब खत्म हो चुका है, इसीलिए वो चुपचाप जाकर फैक्ट्री में बैठ जाता है। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर एक और मुसीबत का पहाड़ जिम के ऊपर टूट जाता है। जब उसका सामना फैक्ट्री के ओनर से होता है, उसने 3 महीने से उसका रेंट नहीं दिया, जिसके बदले में अब वो उसे उस जगह को खाली करने को कहता है। जिम उसके आगे हाथ जोड़ता है कि कैसे भी करके वो 1 महीने तक रुक जाए, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। अब जिम बेचारा क्या करे, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, और इसीलिए एक आखिरी उम्मीद में वो उस कंपनी के मैनेजर के पास फिर से जाता है कुछ पैसों की मदद के लिए, लेकिन वो तो उसे किसी सड़क के भिखारी की तरह धुतकार देता है और बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। तेज बारिश में खड़ा जिम यही सोचता रहता है कि वो अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। आखिर क्यों भगवान सिर्फ गरीब और लाचार लोगों को ही परीक्षा लेते हैं? क्या सारा गुनाह उन्हीं का है, अमीरों ने कुछ नहीं किया है? और यही सब सोचते सोचते वो घर आ जाता है। जब अगले दिन फैक्ट्री जाता है तो उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। जिम बेबस होकर बैठ जाता है कि तभी वहां उसकी टीम आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ। जिम उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है कि अभी मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है कि मैं आपकी सैलरी आपको दे सकूं, आप लोग मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको धोखा दिया। लेकिन दोस्तों, सभी को पता था कि जिम 2 लोगों के बराबर का काम कर रहा है, इसीलिए यूंग कहता है कि जगह चली गई तो क्या हुआ, तुम्हारे एम्प्लॉयज तो अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे पास हैं, जब भी पैसे आए तो तुम हमें दे देना, और आगे कभी ना आए तो कभी मत देना। ये सुनकर जिम का हौसला फिर से और बढ़ जाता है और उन लोगों के सामने ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर सभी उसे सहारा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अब उन मोबाइल का काम अपने घर से ही करेंगे और जल्द से जल्द कंपनी को भेज देंगे। बात के मुताबिक सभी लोग अपने घर में काम करना शुरू कर देते हैं और भी मेहनत से, और 1 लाख फोन के पार्ट अलग अलग करके बॉक्सेस में भर देते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उन्हें उन पार्ट्स को कंपनी में भेजना था टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद ही उन्हें पता चलेगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है या नहीं। यहाँ जिम बहुत ही नर्वस था क्योंकि ये उसकी अकेली की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। अब 2 हफ्तों बाद उन सभी को कंपनी का CEO बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस ऑर्डर को टाइम पर पूरा किया और सारे पार्ट ने क्वालिटी टेस्ट को पास कर लिया है। ये सुनकर पूरी टीम खुशी के मारे रोने लगती है, पर जिम के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है, उसे अब सभी के पैसे चुकाने हैं, इसीलिए वो CEO से पूछता है कि क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि पैसे भी लो और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी, हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करो। CEO उसे 50 लाख युआन का चेक थमाते हैं और कहते हैं कि बाकी काम पूरा होने के बाद। अब यहाँ पूरी टीम अपनी इमोशन को अपने अंदर दबाए हुए बाहर आती है, लेकिन ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाती। लिफ्ट में जाते ही वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिम सभी को गले से लगा लेता है, उसने अपना वादा पूरा किया, साथ में अपनी पूरी टीम की जिंदगी बदल डाली। सबसे पहले तो वो टॉम का ऑपरेशन करवाता है जो कि कामयाब होता है। अब यहाँ से कहानी 6 साल बाद आगे बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि एक दिन जिम के समय का पहिया भी घूमेगा, वो समय आ चुका है। उसे हम एक स्टेज पर देखते हैं, अब वो खुद की नाइस व्यू कंपनी का CEO बन चुका है। उसने 1 लाख करोड़ फोन बेच डाले और आज वो करोड़ों का मालिक है। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, उसकी छोटी बहन के लिए उसका प्यार।
उस भीड़ में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने जिम के ऊपर भरोसा किया, उस पर यकीन किया। उसकी पूरी टीम उसके लिए तालियां बजाती है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, सेम उसी तरह से बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि कचरे के ढेर भी एक दिन जगह बदलते हैं, तो आप तो फिर भी एक इंसान है। इसी के साथ ये कहानियां ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।